नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने रविवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खुली बहस की चुनौती को स्वीकार करते हुए आम आदमी पार्टी के दिल्ली विकास मॉडल को सिरे से खारिज किया। पिछले एक महीने से दिल्ली की आप और उत्तराखंड की भाजपा के बीच छिड़ी जुबानी जंग को आगे बढ़ाते हुए कौशिक ने सिसोदिया को जवाबी पत्र लिखकर कड़ा पलटवार किया और कहा कि अन्ना हजारे द्वारा खड़े किए गए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली आप उन मूल्यों से बहुत दूर आ गई है। उन्होंने कहा, खुद अन्ना हजारे आपकी पार्टी और सरकार की गतिविधियों को खारिज कर चुके हैं और इतना ही नहीं, उस समय के सभी प्रमुख नेताओं को बाहर निकालकर आप यह साबित कर चुके हैं कि आपकी पार्टी एक व्यक्ति पर आधारित है जिसका कोई राजनीतिक दर्शन नहीं है। आप उस ईमानदारी और मूल बोध से बहुत दूर हो चुके हैं जो अन्ना आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़ कर प्रचारित किया गया था। कौशिक ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर भी चोट करते हुए कहा कि वहां के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार घट रही है। उन्होंने कहा, आपके पास जो भी आंकड़े हों उन आंकड़ों की तुलना उत्तराखंड से कर लीजिए तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा और आपका शिक्षा का मॉडल कितना झूठ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आपने 400 पुस्तकालय खोलने की घोषणा की थी लेकिन अभी 25% भी काम नहीं हुआ। कोविड-19 को लेकर कौशिक ने कहा कि अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहल न की होती तो दिल्ली की स्थिति बहुत बदतर होती। उन्होंने कहा, आपने जिन मोहल्ला क्लिनिकों का जमकर प्रचार किया उन पर अब ताले लग चुके हैं और फिर भी आप बढ़ चढ़ कर दावे कर रही है। जलापूर्ति का जिक्र करते हुए कौशिक ने आरोप लगाया कि दिल्ली की ज्यादातर कॉलोनियों में 2 घंटे पानी देकर आप निशुल्क पानी देने का नगाड़ा बजा रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में बेरोजगारी की स्थिति को भी बेहद चिंताजनक बताया। गौरतलब है कि सिसोदिया ने हाल ही में कौशिक को पत्र लिखकर कहा था कि उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में कोई भी उपयोगी काम नहीं किया है और लोग उनका परिचय जीरो वर्क सीएम के रूप में देते हैं। सिसोदिया ने कहा, 4 जनवरी को देहरादून में त्रिवेंद्र सिंह रावत मॉडल बनाम केजरीवाल मॉडल पर चर्चा करने का न्योता भी दिया था। लॉकडाउन के बाद से सामान्य आवागमन के लिए बंद भारत नेपाल को जोड़ने वाले झूला पुलों से अब बिना पास के एक दूसरे देशों में आवाजाही नहीं हो सकेगी। दोनों देशों में स्थानीय प्रशासन स्तर से पास बनाए जाने की बात कही जा रही है। दोनों देशों के प्रशासन ने यह कदम पुल खोलने पर हो रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उठाए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली नेपाल को जोड़ने वाले झूला पुल मार्च से बंद किए गए थे। तब से भारत नेपाल के बीच आवागमन सामान्य नहीं हो पाया है। लोगों के अनुरोध पर दोनों देशों के प्रशासन की सहमति के बाद कुछ समय के लिए झूला पुल खोले जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच रोटी बोटी के रिश्ते होने और नेपाल के भारतीय बाजार पर निर्भर होने से पुल खोलते ही दोनों देशों के बीच आवागमन के लिए भारी भीड़ जुट जाएगी। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाएगा। पास दिखाने के बाद ही एक दूसरे देश में प्रवेश करने दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए नेपाल से भारत आने वाले सभी नागरिकों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पुल पर तैनात कर दी गई है। हल्द्वानी में तेज रफ्तार डंपर ने 7 साल के बच्चे को कुचल दिया जिससे मासूम बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों सहित आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया, डंपर पर पथराव भी किया और आग लगाने का प्रयास किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण किया। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक गोला में राजपुरा किनारे रहने वाले बच्चे अक्सर खेलते हैं। आज भी 7 साल का एक बच्चा गोला में खेल रहा था कि इस दौरान खनन वाहन में लगे डंपर ने बच्चे को कुचल दिया और बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उधर आसपास के लोग एकत्र होकर आक्रोशित हो गए हैं। उन्होंने डंपर पर पथराव किए। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को शांत किया और डंपर को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की। आज एक सूचना मिली दिन में कि गोला नदी के अंदर एक डंपर से एक बच्चे को चपेट में आया, उसको चोट लगी है। तो हम लोग मौके पर पहुंचे तो वहाँ पर एक बच्चे का डंपर के नीचे कुचला हुआ था जिसकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। बच्चे के डेड बॉडी को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया, उसके पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही और डंपर को कब्जे में ले लिया गया है। परिजनों द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उस पर मुकदमा पंजीकृत करके विधिवत कार्रवाई की जाएगी। मिशन 2022 की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने आज स्वराज आश्रम में बैठक की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष इंद्रिया हृदेश, पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या सहित जिले और महानगर के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस के संगठन की मजबूती और सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा आगामी चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में एक्टिव करने के लिए भी नेताओं ने सुझाव दिए। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि देश प्रभारी देवेंद्र यादव ने आगमन के बाद प्रदेश संगठन को मासिक बैठक कराए जाने के निर्देश दिए हैं।
इसी के लिहाज से कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर अब मासिक बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति और इस सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुंचाने के लिए रणनीति बना रही है, जिससे कि 2022 का मिशन फतह किया जा सके। देखिए, जिला और महानगर, महानगर भी जिला माना जाता है, जिलों में काउंट होता है महानगर, तो इनकी बैठक है, सबकी संयुक्त बैठक एक साथ ही कर ली और उनको एजेंडा दिया गया, गाइडलाइन बताई गई है, ब्लॉक अध्यक्षों से बात हुई, पीसीसी के मेंबर से बात हुई और सबको सुना गया, जाना गया और सबको एक टारगेट दिया गया कि अपने बूथ से 10 नए मेंबर जोड़ें, जिसका भरोसा दिलाया उन्होंने, और उसकी हम लोगों को सूची दे, और ये भी बताया गया कि ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक महीने के फर्स्ट वीक में 5 तारीख तक कर लें, तो सबने तारीखें भी बताई हैं, उसको देखा जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी में संगठन की बैठकें समय समय पर होती रहती हैं। एक अच्छी बात यह है कि नए हमारे जो प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी यहाँ पर नए प्रभारी बने हैं, उन्होंने एक नए दिशा निर्देश दिए हैं कि जो एक परंपरा पहले थी, जो बीच में शायद थोड़ा टूट गई थी, मासिक बैठकें चाहे वो ब्लॉक की हों चाहे जिला की हों, उन बैठकों की परंपरा को फिर आगे बढ़ाया जाए। इन बैठकों में हर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं वो बूथ स्तर पर कांग्रेस के गठन की चर्चा करें, उस ब्लॉक से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जनहित की समस्याएं हैं, विकास की बातें हैं, वो उन पर भी चर्चा हो और उन पर जहां ज़रूरत है वहां लड़ाई लड़ी जाए, और 17 अब 22 में जो चुनाव आने जा रहा है उस चुनाव की पूरी तैयारी के लिए इस तरह के संगठन की बैठकें बहुत ही ज़रूरी हैं और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन एवं बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, जिसमें निर्णय लिया गया कि निधि समर्पण अभियान 15 जनवरी से 5 फरवरी तक चलेगा, जिसमें योजनाबद्ध तरीके से घर घर जाकर समर्पण निधि एकत्रित की जाएगी। राम मंदिर का निर्माण भव्य दिव्य हो, सभी जनों की इसमें भागीदारी हो, इसको लेकर हम सब लोग बैठक कर रहे हैं लगातार, प्रत्येक घरों तक, गांव के प्रत्येक घर तक सभी वर्गों का, सभी लोगों का सहयोग उसमें प्राप्त हो, और इसके लिए हम योजना रचना बैठक कर रहे हैं। आज हमने योजना रचना बैठक करी है, हम कहते हैं हम बिंदु खत्ता के प्रत्येक घर घर तक जाएंगे, प्रत्येक घर से उसमें सहयोग राशि मिलेगी और वह सहयोग राशि राम मंदिर के निर्माण के लिए लगेगी। हम सब लोगों का सौभाग्य है, हम सब लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम राम मंदिर के निर्माण के लिए हम सब लोग तत्पर रहने वाले हैं और इस राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी जनों की भागीदारी सुनिश्चित करने वाले हैं। फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही, जुड़े रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।